ये देखिए मेरी परमिशन का गियर बक्सा फिट करने। अब है चार बुलेट लगे हुए हैं। अब हमने टायर डाला, टायर डालिए हब में, सारे बोल्ट को वाशर लगा के नट लगा देने। चारों नट लगाने हैं, टाइट करना है, हाथ से लगे पास कर लिए पहले। इसी तरह दूसरा चक्का भी फिट करेंगे, तो भी इसी तरह फिट कर लें। इस रेंच की मदद से इन्हें टाइट कर लीजिएगा। इस रेंच से अच्छे तरीके से चक्के के चारों बुलेट दोनों तरफ से टाइट कर लें। सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद इनके हैंडल हैं जो, अब वो लगाएंगे हम। बीच की गली में लाना, ये सेंटर वाली गली में लाना है, बीच वाली में। दूसरा बोल्ट भी एडजस्ट करके डाल लेना है। ये बोल्ट बीच वाली गली में लगेगा, ये एक ही तरह का उसमें लग जाएगा। अंदर से दोनों बोल्ट को टाइट करना, दोनों अंदर से करने के बाद चाबी से टाइट करना पैनल। अभी हम दूसरी तरफ का भी हैंडल लगाएंगे, दूसरी तरफ का भी हैंडल, बीच वाली गली में सुराख में लगाना है, बुलेट अंदर से बुलेट लगाना है। स्टील बार जो हैंडल का सेंटर निकालेगी उसे ऊपर लगा देना है। बोल्ट दोनों टाइट करने से पहले लगाना है, इन बोल्ट को टाइट करने से पहले लगा लेना है ताकि दिक्कत ना आए नहीं लगाने। यहाँ पे बोल्ट चेक हो जाएंगे, चेक नट करते हैं अच्छे तरीके से, स्पाइनल की तरह मदद से हमें टाइट करना है। इन्हें भी अच्छे तरीके से स्पाइनल की मदद से हमें टाइट करने है। चारों बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा। दूसरी तरफ वाले भी इसी तरह स्पैनर की मदद से हमने टाइट कर। हैंडल टाइट करने के बाद जहां पे गियर एल डालेगा, 17 नंबर का नट है गियर एल के लिए, 17 नंबर स्पैनर की मदद से ये नट खोल लेना है हमने। यहाँ पे 2 लीटर गियर ऑयल डालना है, नापे की मदद से नाप के या 2 लीटर के 2 डिब्बे ले आना है, 2 लीटर गियर ऑयल डाल लेना है। इसे पहले ही डालना है मशीन फिट करते हुए, बाद में फिर डलता नहीं, दिक्कत आती है डालने में। इसके ऊपर इंजन आ जाता है, बाद में इसके ऊपर इंजन फिट होगा तो फिर दिक्कत आएगी डालने में। गियर डाल के नट को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब ये गियर डल गया है, ये इंजन के फुट हैं, इंजन के दोनों पैर यहाँ पे फिट कर लेने हैं हमने। देखिए इधर लगेगा, एक इधर लगेगा यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट है बेल्ट टाइट करने के लिए। आगे पीछे करके बेल्ट को इंजन को टाइट कर दें ताकि बेल्ट टाइट हो जाए हमारी। यहाँ पे बोल्ट लगा लेने हैं, 2 इसमें लगेंगे बोल्ट 17 नंबर के, 2 इधर लगेंगे 17 नंबर के।
पैनल की मदद से थोड़े नजदीक लगा लेने हैं। टाइट हम बाद में करेंगे इंजन को रख के। ये लगा के इसके बाद हम इंजन रखेंगे इसके ऊपर। इंजन को इस तरीके से धरना है कि ये जो नीचे पुली है 8 इंची वाली उसके बराबर ये पुली आ जाए। इंजन के पैरों में बोल्ट लगेंगे, ये बुलेट लगेंगे 13 नंबर 1.5 इंची वाले। 4 बुलेट लगेंगे 13 नंबर 1.5 इंची वाले। इनके पैरों में यहाँ में कसे जाएंगे ये बुलेट। चारों सुराख हैं इंजन के पैरों में, चारों सुराखों में इंजन के बुलेट कसे जाएंगे। ये चार बुलेट जो लगेंगे उनके नट होंगे वो लॉक वाले होंगे ताकि ये ढीले ना हो सके, ये लॉक नट रहेंगे चारों में। स्पैनर की मदद से हम इसमें अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये बुलेट बेल्ट, दो बेल्ट लगेंगी यहाँ पे। ये बेल्ट लगती है कि नंबर लिखा गया है 17x1200 LI, ये नंबर बैलेट का है। ये बैलेट लगी रिपर की धागे की तरफ लगा के पुली में लाइन बन जाएगी। अंदर और बाहर दोनों तरफ से चेक कर लें। धागे से लाइन बनाने के बाद इन्हें इंजन के पैर को अच्छे तरीके से टाइट कर दें। 13 नंबर के बोल्ट हैं वो, 13 नंबर का स्पैनर लगेगा। इंजन के बोल्ट टाइट करने के बाद ये 17 नंबर वाले बोल्ट भी टाइट करने हैं नीचे वाले फ्रेम पर। पुली के साथ ये 3 क्लच फिंगर लगी हुई हैं। इनके डबल नट लगा हुआ है, इन्हें चेक नट करना है। इन्हें चेक नट कर दीजिए क्योंकि ये ढीले होते हैं, इनों को चेकनेट कर दीजिएगा। बैलेट को हम इंजन के ऊपर चढ़ाएंगे। पकड़ लेनी है, दूसरी तरफ से रस्सी खींचेंगे ऊपर चढ़ जाएगी मशीन। दोनों बैलेट अब चढ़ चुकी हैं। ब्रेक वायर को यहाँ पे चेक नट करना है। यहाँ गियर रॉड साथ ही ये कुंडी है ब्रेक वायर की, कोई भी रॉड लेके उसकी मदद से ऊपर उठा के ब्रेक को बीच छेड़ देनी है। ये रॉड की मदद से हमने छेड़ दिया है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लगाएंगे। नट को पूरा ऊपर कर देने हैं थ्रेड के, ज्यादा पावर ना लेनी पड़े मशीन में। और फिर रॉड की मदद से इन ऊपर उठा के कुंडी लगा देंगे। उसके बाद इनको ब्रेक वायर को टाइट कर देना है। ये ऊपर से टाइट नहीं हुई, यहीं से टाइट होगी नीचे से। ब्रेक वायर आपने देख के फिट कर लेनी है, दोनों तरफ से ऐसे ही फिट करनी है। यहाँ हैंडल पे दोनों तरफ से दो वायर इधर, दो वायर इधर। हम यहाँ कंपनी से लगा के बेचते हैं। ब्रेक वायर एक क्लच वायर, ब्रेक वायर और क्लच वायर दोनों नीचे से हमने लगानी होती है गियर में। इस तरीके से हम ये क्लच वाली वायर लगाएंगे, अंदर से ले आना है यहाँ पे लाके।
लगाना है, पहले डीडीआर रखना है, बाद में लगाना है। यहाँ पे लीव रहेगी इसमें क्लच का, इसमें लगानी है, ये पिन लगा देंगे, ये पिन लग के आर पिन उसमें स्पिल्ट पिन डाल देनी है ताकि वो पिन निकल ना पाए। कोई भी पिन लगानी है उसमें स्पिल्ट पिन लगानी जरूरी है ताकि वो निकल। ये क्लच इस पीटी पुली के नीचे यहाँ से सामने, ये क्लच इस क्लच में यहाँ पे लगा दी। उसके बाद ये चेक नट है, ये टाइट कर देना है हमने, तार को पूरा टाइट कर देना है। यहाँ पे आके हमने ये कवर लगाना है, गियर कवर रहता है गियर राड का, दो नट यहाँ पे लगेंगे और बाकी दो यहाँ पे लगेंगे, एक दूसरी तरफ लगेंगे। यहाँ पे नट लगा के इस कवर को लगाना है। अब हम यहाँ पे गियर राड लगाएंगे, यहाँ गियर राड पे एक नट लगना है, गियर राड को चेक करेंगे, पहले गियर राड से अंदर डाल के सलाई में डाल देना है, उसमें डाल के यहाँ पे इसको चेक नट कर देना है गियर राड के नट। इंजन में 600 ml इंजन ऑयल डलेगा 20-40 का, जो हम इसकी मदद से 600 ml इंजन ऑयल डालना है। रेस लिवर यहाँ पे फिट होगा, ये उसमें वायर लगेगी, इसे डालेंगे यहाँ। एयर फिल्टर खोल लेना है, एयर फिल्टर खोल के इस बार यहां से निकलेगी, अंदर चली जाएगी इस बार, यहाँ मक्खी में कसी जाएगी नट में, रेस पैर को ढीला करना है। तार को आगे लाके खींचना नहीं है, सेट करके बस टाइट कर देना है। ये रेस पैर लगाने के बाद एयर फिल्टर को दोबारा उसी तरीके से फिट कर दें। ये एक मेन तार रह गई है जो रिपर के हेड में लगेगी, गियर लगेगा उसमें लगेगी ये फ्लैट। ये अभी देखिए पूरा तैयार हो चुका है, इसके अभी कवर रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट में लगाएंगे, रिपेयर हेड जोड़ने के बाद लगाएंगे। थैंक यू फॉर नेक्स्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फारम सिंगा को, और लाइक करें कमेंट भी करें ताकि और अच्छी वीडियो बना सकें।